नैनीताल जनपद में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने और नगर को जाम से निजात दिलाने को लेकर जिला सभागार में आला अधिकारियों और गणमान्य लोग के साथ बैठक की। आयोजित बैठक में उन्होंने अवैध तरीके से सड़कों पर टैक्सी गाड़ियां खड़ी नहीं करने और रेत बजरी को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि पर्यटन सीजन के दौरान नगर में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए नैनीताल आने वाले पर्यटकों के वाहनों को शहर से दूर रूसी बाईपास में पार्किंग कराया जाएगा। पर्यटन सीजन को लेकर हम लोग हर साल एक बैठक सभी स्टेक होल्डर्स के साथ करते हैं, प्रशासन और पुलिस। तो आज भी हम लोगों ने सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया था, सभी लोगों के सुझाव लिए हैं। जो ट्रैफिक व्यवस्था है, नई पार्किंग्स वगैरह बनाने के सुझाव हैं, जो अस्थाई पार्किंग्स पर्यटन सीजन के लिए चलाई जा सकती हैं उन पर भी सुझाव आए हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो हर साल सीजन में इम्पोज करे जाते हैं एंट्री इत्यादि पर, उनको लेकर भी काफ़ी सारे सुझाव आए हैं। साथ ही जो आवश्यक व्यवस्थाएं ट्रांजिट पॉइंट्स पर करी जाती हैं, जहां शटल सर्विसेज चलती हैं, उन बेसिक कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड कराए जाने के लिए भी काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं वो इस मीटिंग में डिस्कस हुए हैं। सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको निर्देशित किया है कि अपनी जो आगामी सीजन की तैयारियां हैं, जो जो भी इश्यूज़ अभी अधूरे रह गए हैं, उनको इस हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया जाए।